derivation of Ohm's law using drift velocity. Derivation of Ohm's law using drift velocity. Consider a material of length L and cross sectional area A. Consider a material of length L and cross sectional area A. E is equal to V by L to likhi sakte hain or I is equal to N E A V D आपने लास्ट क्लास के लास्ट क्लास में हम लोग निकाले थे यहां से और VD का एक फॉर्मूला भी हम लोग लेके आए थे VD क्या लेकर आए थे VD इज इक्वल टू E कैपिटल E टाउ बाय N इन सबको ना एक एक इक्वेशन का नंबर मान लीजिए इसको मानिए इक्वेशन नंबर वन इसको मानिए इक्वेशन नंबर टू इसको मानिए इक्वेशन नंबर थ्री VD का वैल्यू आप यहां रिप्लेस करिए तो I इज इक्वल टू क्या होगा N E A VD के जगह पे लिख रहे हैं E कैपिटल E टाउ बाय N विच इज इक्वल टू N E स्क्वायर A कैपिटल E टाउ बाय N तो करंट इज इक्वल टू आपका निकल के आ गया एनी स्क्वायर ए ई टाउ बाई एम ये आपका इक्वेशन नंबर अब इसको आप क्या मान लीजिए फोर मान लीजिए करंट आ गया अब लास्ट एक ही चीज रह गया है ई के जगह पे वी बाई एल पुट कर देना फर्स्ट इक्वेशन है ना यहां पे ई आया हुआ है ई के जगह में आप क्या पुट कर दीजिए वी बाई एल बोलेंगे सर ऐसा क्यों क्योंकि हम लोग डेरिवेशन किसका करना चाहते हैं ओम्स लॉ का ओम्स लॉ क्या होता है भी इज इक्वल टू आई आर तो मुझे भी और आई चाहिए है ना तो बस बढ़े आगे ये एक्सप्रेशन लिख लिया मेरे को अगले बार में बोलिएगा आई का एक्सप्रेशन क्या है बोलिए आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर कैपिटल ई टाउ ए बाई एम और ये इसके अंदर हम लोग पुट कर रहे हैं ई इज इक्वल टू भी बाई एल को जब आप इसको पुट करिएगा तो आई इज इक्वल टू एनी स्क्वायर ई के जगह में क्या पुट कर दिया भी बाई एल टाउ ए बाई एम करेक्ट अब भी को एक तरफ रखिए बाकी सब को एक तरफ ले आइए तो इसको ऊपर ले आया एल एम होल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई डन वी इज इक्वल टू एक काम कीजिए यहां पे एल बाई ए इंटू आई ये एक तरफ रखिए और जो बच गया उसको एक तरफ रखिए देखिए एल बाई ए को छोड़ दिए बाकी जो बचा है वो बोलिए एम होल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए नहीं बस इसी स्टेप पे आपका आंसर है ध्यान से देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर और V इज इक्वल टू कैन आई राइट रो एल बाई ए इंटू आई यहां से इसको कंपेयर कीजिए इसको भी कुछ एक इक्वेशन मान लीजिए इन दोनों को ठीक से कंपेयर करिए देखिए भी आई आई एल बाई ए एल बाई ए ये जो सामने बचा ये किसके बराबर रो के बराबर दिखाई दे रहा है जो मैं बोल रहा हूं V इज इक्वल टू रो एल बाई ए इंटू आई है यहां पर भी V इज इक्वल टू समथिंग इंटू एल बाई ए इंटू आई है तो ये जो समथिंग लिखा हुआ है ये ऑब्वियसली किसके बराबर होना चाहिए तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन इसको इक्वेशन नंबर जो भी आप माने होंगे इसको इक्वेशन नंबर चार पांच और इसको इक्वेशन नंबर छह तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फाइव एंड सिक्स व्हाट विल गेट रो इज इक्वल टू एम होल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ
एन ई स्क्वायर टाउ। आज ही की क्लास में थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखवाया था कि रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लिखवाए थे। और देखिए रो किन किन चीजों पर डिपेंडेंट है। रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी तो नहीं हुआ क्योंकि ये तो कांस्टेंट चीज है। और रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मास मटेरियल डिपेंडेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट मटेरियल डिपेंडेंट, रिलैक्सेशन टाइम मटेरियल डिपेंडेंट। तीनों का तीनों चीज जिसके ऊपर रो डिपेंड कर रहा है ये सब प्रॉपर्टी किसकी है? मटेरियल की है। इसीलिए रो को आप बचपन से यानी जब 10 में पढ़ रहे थे तभी से आप पढ़ते आ रहे हैं रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑन विच रो डिपेंड? रो डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन मास, इनवर्सली ऑन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इनवर्सली ऑन रिलैक्सेशन टाइम। डन हो गया। तो रो किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एम एन ई स्क्वायर टाउ के ऊपर। फॉर्मूले से भी समझ में आ गया। अब आप अच्छा इसी का अगर आपसे कोई पूछ ले भाई सिग्मा किसके ऊपर डिपेंड करता है तो यहां से आप कह सकते हैं वन अपॉन रो इज इक्वल टू सिग्मा। तो सिग्मा किस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम के ऊपर। ये सिग्मा का डिपेंडेंसी है। डन। एग्जाम में यह सब पूछता है इसलिए उसका ध्यान रखिएगा। हेडिंग डालिए फैक्टर ऑन विच रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो ऑलरेडी फॉर्मूला हम लोग को पता चल गया है, बस पॉइंट वाइज क्या कर लेना है? लिख लेना है। पॉइंट वाइज खाली लिख लेना है। राइट। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन पॉइंट नंबर वन फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नंबर एन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नंबर एन। तो एन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। पॉइंट नंबर टू। सेकेंड पॉइंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इट इज डिपेंडेंट ऑन रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए यहां पे ना थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझने का है। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? दो एटम के चलकर आयन से टकराने के बीच का जो समय था उसी को क्या बोल रहे थे? रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे थे। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो जो आयन के टकराने का समय है वो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घटेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? घटेगी। अगर टाउ की वैल्यू घटेगी तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। टाउ की वैल्यू अगर घट रही है तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब यहां से एक इनडायरेक्ट चीज हम यह समझ पा रहे हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये सेकेंड डिपेंडेंसी है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मास कांस्टेंट, मास तो 9.1 इंटू 10 पार माइनस 31 ई 1.6 इंटू 10 पार। तो ये दोनों तो कोई विशेष पॉइंट नहीं है, मुख्यतः यही दोनों पॉइंट था।